पाकिस्तानी 22 कैलवरी ऑफ पाकिस्तानी आर्मी है उनकी ये टैंक है, और जो वन ऑफ द तीन तोप जो मैंने आपको अभी दिखाई टैंक्स, वो ऐसा बोल रहे भाई कि पानी में भी चलती है, MPV। ओह हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मैक्सिको, आपका स्वागत है। गाड़ी लेके हम थोड़ा आशु ने थोड़ी क्रूज कंट्रोल में ज्यादा घुमा दी, मैक्सिको पहुंच गए हम लोग। हमें ज्यादा एक्सीलेटर दे दिया आशु ने। तो सोच अगर मैक्सिको गुजरात में होता तो क्या नाम होता, बता दीजिए। नाना मेको मोटा मेको, नाना मेको मोटा मेको, पार्ट्स होते पार्ट्स होते। नवा न्यूयॉर्क, जूना लंदन, ऐसा सब गांव के नाम। जमणी बाजू, जमणी बाजू, जमणी जमणी बाजू, नवा न्यूयॉर्क, डावी बाजू जूना लंदन। बहुत ही अमेजिंग व्यू, इसलिए हम लोग रुके हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं लॉन्गे वाला, विच इज़ 120 किलोमीटर फ्रॉम अवर कैंप। सो वहाँ जाएंगे, फिर आपको दूसरा भाई कौन सा, कुलधारा, कुलधारा जाना है रिटर्न में, और फिर टाइम बचेगा तो अंजलि के लिए, और हम एक दो भूत लेके आएंगे वहाँ से, और टाइम बचेगा तो अंजलि के लिए शॉपिंग करेंगे। फिर टाइम बचेगा क्या, शॉपिंग करनी है मेरे को, तूने कल भी मुझे गोटी पे लाई थी। कौन सी वाली? ब्रीजर, ब्रीजर। बहन जी उठ जाओ, उठ जाओ, उठो उठो, चलो आज तुझे खींचनी है। मैं तो खींच ही रहा हूँ। नहीं नहीं, तुझे खिंचवानी है। अच्छा हाँ, खिंचवा दो, क्यों तो खींच दो। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए लॉन्गे वाला, और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान की टैंक है, तो एज यू कैन सी मेरे पीछे वो पाकिस्तान की टैंक है उस ज़माने की। आपको दिखाऊंगा यहाँ की हिस्ट्री क्या है, उसके साथ ये वॉर मेमोरियल है वो भी शुरू हो चुका है नया, अभी उन्होंने बताया। और फिर आगे उस तरफ जो उस टाइम पे जो बंकर्स थे जहाँ पे इंडियन आर्मी अटैक हुआ था, बंकर्स थे वो भी यहाँ पे है, तो वो भी दिखाएंगे। और कितनी सारी चीज़ें उस टाइम की वॉर की इस प्लेस पर मौजूद है, तो सब दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। तो यहाँ पे ये टैंक है मेरे पीछे, इसको आप झंडा देख सकते हो, और ऐसा कुछ लग रहा है फ्रंट से। देखते हैं क्या है हिस्ट्री इसकी। M4 शर्मर टैंक डिस्प्लेड इन अ कैप्चर टैंक विच वाज यूज्ड बाय पाकिस्तान आर्मी इन बैटल ऑफ लोंगेवाला। 1965 की जो पाकिस्तान की बैटल थी लोंगेवाला के, उसमें ये पाकिस्तान की टैंक थी वो कैप्चर हुई थी। मेरे पीछे देख रहे हैं वो है M46 कैटापुल्ट गन। ये एक सेल्फ प्रोपेल गन है, और ये इंडिया से डेवलप, मतलब इंडिया ने डेवलप की थी इन्हें, जो इनकी वेस्टर्न बॉर्डर्स है वहाँ को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे स्ट्राइक अगर एनिमी करता है तो उसके सामने स्ट्राइक करने के लिए डेवलप की थी। और बाकी की हिस्ट्री यू कैन रीड इट हियर। तो अभी हम आपको एक एक्सक्लूसिव दिखाते हैं वॉर मेमोरियल, जो अभी 5 दिसंबर को ही इनॉग्रेशन हुआ है, तो आप ये फर्स्ट देख रहे हो हमारी चैनल पे। और एयर मार्शल आए थे यहाँ पे, अमित शाह नहीं आए थे, मतलब उनको जब एंट्री करे थे तब मैंने बोला कि अमित शाह आए थे, तो वो थोड़ा सा ना उनको ये दिल पे लग गया कि हाँ अमित शाह क्यों आ सकते हैं भाई, आएगा तो राजनाथ सिंह जी आएंगे, अमित शाह नहीं आएंगे, या फिर एयर मार्शल आएंगे, क्योंकि ये मिलिट्री के अंडर में आते हैं। इसीलिए अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी है। सो यहाँ पे मेरे पीछे 106 mm M40A1 राइफल है, और ये अमेरिकन M40A1 जो राइफल होता है उसका भारतीय रूपांतरण, मतलब कि इंडियन वर्जन है इसका। तो ये जो मेरे पीछे टैंक है वो है T-55 मेन, जो इंड्यूस की गई थी इनटू इंडियन आर्मी इन 1968, और उससे एक्सटेंसिवली यूज़ किया था 1971 की वॉर में। और आप ये मेरे पीछे जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं वो है कृषक एयरक्राफ्ट, और इसे भी 1971 की वॉर जो है लॉन्गे वाला बैटल उसमें यूज़ किया गया था। मुझे ये लग रहा है कि ये एयरक्राफ्ट ये मॉडल है, ओरिजिनल नहीं है, और अंजलि को ये लग रहा है ये ओरिजिनल है। आई
आई डोंट नो, सो मैं कोई कोट करने वाला नहीं हूँ, ये आई थिंक ओरिजिनल ही होगा, मे बी कहीं से लेके आए होंगे, मतलब लिखा तो है वहाँ पे, लिखा है देखो ना 45 रिपेयर एंड साल्वेज यूनिट इंडियन एयर फोर्स, तो मे बी ओरिजिनल ही होगा। हाँ, कैसा लग रहा है तुझे यहाँ पे? अच्छा, प्राउड, प्राउड, बहुत ही प्राउड फीलिंग आ रही है। इतनी सारी चीज़ें रखी हमने, जो पाकिस्तान की टैंक्स जो कैप्चर की थी वो यहाँ पे रखी है, हमारे जो हथियार उस टाइम पे वॉर पे यूज़ हुए थे वो भी यहाँ पे। अब आगे जाके आपको दिखाएंगे कि जो वो है बंकर्स वो कैसे है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी मेरे पीछे एक और टैंक है T-59 और पाकिस्तानी 22 कैलवरी ऑफ पाकिस्तानी आर्मी है उनकी ये टैंक है, और जो वन ऑफ दी 37 टैंक दैट वाज डिस्ट्रॉयड इन द बैटलफील्ड ऑफ लोंगेवाला इन द नाइट ऑफ 4 and 5 December 1971, तो वो ये टैंक है। तो यहाँ पे कुल 2 पाकिस्तानी टैंक्स है और पीछे की तरफ भी टैंक्स है, एक दो कार्स है वहाँ की, तो वो जाके भी दिखाते हैं। बट सो फार बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, मतलब जैसलमेर आ रहे हो, तो ये विजिट करना चाहिए, बहुत ही प्राउड प्लेस है, यहाँ पे आपको डेफिनेटली प्राउड फील होगा। और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो ऑडियो विजुअल थिएटर है, तो आपको 5-10 minutes or 15 minutes की शॉर्ट फिल्म दिखाएंगे इसकी हिस्ट्री पूरी। तो अभी तो बहुत ट्रैफिक इसलिए देख रहे हैं, तो हम जा रहे हैं बंकर देखने के लिए। ये है इंडियन बंकर जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, अंदर जाके देखते हैं कैसा होता है। अभी मुंडी तो ऐसे कुछ होते थे बंकर उस टाइम पे। आशु यहाँ से गन चलानी, यहाँ से लॉजिकली तो यही तो यही सब मुंडी निकाल के फोटो खींचनी, M1919 मिल जाएगी। सो अभी ये बंकर देख के आए हम लोग, ऐसे ही स्ट्रेट रास्ता वहाँ ऊपर तक जाता है और वहाँ तक भी 4-5 बंकर थे। तो अभी एक काम करते हैं, बंकर देखते हैं बाद में हम लोग आराम से, पहले ये जीप जो है वो और सामने जो टैंक है वो देखते हैं। कारगिल फायर डालकर उनको बर्बाद किया, फिर से दुश्मन का मनोबल टूटा और उनका दोपहर का खाना जैसलमेर में खाने का सपना मिट्टी में मिल गया। क्या वो थोड़ा बॉलीवुड करके लिखा? हाँ, मेरे को नहीं समझ आया। लास्ट दूल्हा नहीं, लास्ट नायक मथुरा दास की RCL जीप। तो वहाँ जो पीछे आप लोग देख रहे हो वो है पाकिस्तानी टैंक जो टूटी फूटी हालत में, बट अभी लोग वहाँ रील्स और फोटोज खिंचवा रहे हैं ऊपर चढ़ चढ़ के हालत में कर रहे हैं उसको। और थोड़ा तोड़ रहा है ऐसा लग रहा है, बट ठीक है। अब इसका तो कुछ वहाँ पे हिस्ट्री लिखी नहीं थी तो हमें पता नहीं थी, बस मैप वो फ्लैग है वो ड्रॉ किया था तो पता चल गया पाकिस्तानी है। अब सामने एक टूटी हुई गाड़ी है, उस पर दिखाते आपको क्या है। अब एक अजीब से दो या तीन टैंक देखने को मिले, देखते हैं वहाँ जाके टैंक है कि क्या है। तुझे क्या लगता है क्या है ये वाला? क्या है टैंकी है शायद से, वो रडार है ऊपर। हाँ, वो बहुत पता नहीं वो भी कैप्चर करके रखा या फिर आर्मी का चलता हुआ अभी है। नहीं, ये तो मुझे ऐसा ही लगता है। फोटोज तो लोग खिंचवा रहे, मतलब शो के लिए रखा है, चेक करते क्या। अभी जो हम आपको बता रहे थे वही है, सब लाइव यूज़ में है, अभी वो पुराने ज़माने वाला नहीं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो वो बेल्ट है, ये ऊपर से सारी चीज़ें नीचे आ जाती है और ये जो नीचे का पार्ट है वो साइड हो जाता है। तो अगर कहीं नीचे वाली ज़मीन है, पानी है और उस पर से ये टैंक और वो सब निकल रहा है, तो ये बेल्ट है नीचे हो जाता है और इसके ऊपर से टैंक है या फिर कोई भी चीज़ है, हैवी मशीनरी है, वो निकालनी है तो नहीं। और ये अभी भी यूज़ में है,
एंड दिस टैंक इज ऑल्सो इन यूज, लाइव है अभी, आगे जो टूटी फूटी देखी जैसे ही नहीं है, दिस इज लाइव। जी जो अभी फोटो खिंचाने जा रहे हैं टैंक के ऊपर चढ़ के, ये देखिए चढ़ रहे हैं ऊपर, ये लाइव टैंक है, ये आए थे डिस्प्ले में लगने के लिए, अच्छा अच्छा आए थे, इधर से चढ़ना है, हाँ आशु वहाँ पैर रख के, अब फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, आशु की बारी। और बाय द वे लाइव टैंक है, अभी सिर्फ डेमो के लिए यहाँ पे लाई गई है, यूज में होती है, और भाई बोल रहे हैं कि जब ये चलती है पूरी धरती कांपती है, इतनी पावरफुल है। और ये तीन तोप जो मैंने आपको अभी दिखाई टैंक्स, वो ऐसा बोल रहे हैं भाई कि पानी में भी चलती है, MPBS। अच्छा वो ऐसा बोल रहे हैं कि MPBS बोलते हैं, और ये तीनों की तीनों पानी में भी चलती है, और ये सबसे ख़तरनाक है, बहुत हैवी है। और जो फर्स्ट में आपको दिखाया वो पूरा ब्रिज बन जाता है जिसके ऊपर से ये सब निकल जाती है, अगर कोई अंडरग्राउंड चीज़ है या फिर तालाब में से या पानी में से निकालनी हो, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ टू नो। MPBS तुझे अंजलि वहाँ पे आना चाहिए था, हमने टैंक से ऊपर जाके फ़ोटो खिंचवाई, और वो दो तीनों टैंक की क्या खासियत है वो भी बताई उन लोगों ने, मैं व्लॉग में देख लूँगी, और फोटो तो नहीं खिंचा पाएगी ना, चलेगा फोटो, मेरी छोटी फोटोज बहुत सारी हैं प्लेन पे बैठे हुए, अरे वो तो खिलौने वाले थे ये तो, खिलौने वाले नहीं असली प्लेन पे खिंचवाई थी फोटो मैंने ये सब अभी भी लाइव यूज में है पता चले टैंक्स। सो गाइस हमने टैंक्स जितनी भी थी यहाँ पे आपको सब दिखा दी, आगे भी और भी बंकर्स हैं, बट हम वहाँ तक जाने नहीं वाले क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप आ रहे हो तो जा सकते हो, हमारे पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि हमें तो हमें वहाँ कुलधारा भी जाना है, तो इतना टाइम नहीं हमारे पास क्योंकि वापस आज ही गांधीनगर पहुँचना है, सो थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो शो है वो भी आप कवर कर सकते हो यहाँ पे, टिकट्स मुझे पता नहीं बट मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो में डाल दूंगा टिकट्स, और कैफ़े भी है तो वहाँ पे बैठ के आप चाय नाश्ता कुछ कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट व्लॉग लाए हो कुलधारा वाला उसके आपको सबसे पहले अपडेट मिले, एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और हाँ जैसलमेर आ रहे हो डेफिनेटली तरुण पाटा टेम्पल और ये लोंगे वाला डेफिनेटली विजिट करके जाना, बाय।